आपको आज चुंदरीगढ़ रोड दिखाएं। ये बैंक अल फलाह के सामने पूरा गटर उबला हुआ होता है। ये स्टेट बैंक है। ये स्टेट बैंक के सामने हाल देखें, पूरी फुटपाथ तक पानी। ये बारिश के बाद अब ये गटर का पानी है। बारिश इज थ्रू नाउ द गटर इज हियर। अभी तक ये पानी नहीं निकाला है। दोनों तरफ ये गटर का और पता नहीं रिमेनिंग बारिश का पानी पूरा भरा हुआ होता है। लुक एट दिस। इससे आगे चलें, ये आ गया जी कराची स्टॉक एक्सचेंज के सामने इतना बड़ा खड्डा कि पूरा इधर ट्रैफिक जाम हुआ हुआ होता है और बुरा हाल होता है यहाँ पर ट्रैफिक का पूरा दिन। ये टावर के सामने इधर से आगे चलें, ये एमेजेना रोड से पूरा आता है और यहाँ पर फिर ये गटर का और पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर टायर्स पूरे लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, पुलिस वाले गटर के बीच में खड़े होते हैं। पूरा ये बारिश जब से हुई है 8 दिन हो गए हैं, आज तक ये गटर नाला पानी कुछ भी साफ नहीं हुआ। ये देखें पानी, देखें कितना है, टायर्स तक पूरा पानी है। ये देखें किस तरह बसेस भी इस तरह जा रही हैं, बेचारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, बुरा हाल है। बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस होता है इस रोड पर, बिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्सेस जमा होते हैं इस रोड से। एंड लुक एट दिस, हाल बुरा है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिटी गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है। पूरा ट्रैफिक जाम होता है इवनिंग में, पूरी जगह पर बुरा हाल होता है। पानी पानी, लोग गटरों में से क्रॉस करके जा रहे होते हैं, बाइक वाले गटर में से पैर रख रख के जा रहे होते हैं। कीचड़ और बदबू, स्मेल, गंदी बाहर है। ये एडीएट ऑफिस के सामने ये देखें, खड़े नहीं रह सकता है कहीं। पूरा फिल्थ, पूरा कीचड़, पूरा गटर का पानी, एब्सोल्युटली पथेटिक। नो सिटी मैनेजमेंट, नो सुअर मैनेजमेंट, नो नथिंग। जा रहा है ये भी कीचड़ में से, गंदे पानी में से ही लेके जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। और ये देखें इसकी वजह से पूरा ये सुबह से लेके शाम तक पूरा टाइम ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे।